Next video on trigonometry questions. In this case, we will use the limiting value of sine and cos. Means range of trigonometric functions. If x and y are reals, show that the equation is possible only when x is equal to y is equal to 0. I am taking your question number 1. You know that the sine theta lies between 1 and minus 1. If you are scaling on both sides, it means sine square theta is always less than equal to 1, but greater than 0. हम इधर जीरो नहीं लिखते बट लेस देन इज इक्वल टू वन लिख देते हैं प्लस ये लिख भी देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा पॉजिटिव तो होगा ही होगा बिकॉज स्क्वायर क्वांटिटीज है एंड स्टेटमेंट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड यहां ये वाली टर्म पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है इसका मतलब एक्स वाई को भी पॉजिटिव होना चाहिए जब एक्स वाई पॉजिटिव होगा इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई लेस देन जीरो x माइनस वाई होल स्केयर अब स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो नहीं होती तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y मीन दिस रिजल्ट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव x इज इक्वल टू y सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 ले सकते हैं secant theta is always less than equal to minus 1 and secant theta is always greater than equal to 1 iska combined result hum likhte hain secant square theta is always greater than equal to 1 abhi to clear hai ki ye positive hai and secant square theta is given to be 4xy upon x square plus y square तो दिस इज 4xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अब डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव क्वालिटीज हैं इनक्वालिटी साइन चेंज कर जाएंगी और जो लेफ्ट से राइट चेंज करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई इज लेस देन जीरो दिस इज सॉरी दिस स्टेटमेंट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर द स्टेटमेंट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर दिस इंप्लाइज सेम आर्गुमेंट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए अब बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें हम एक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जिसका कंसेप्ट है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन मीन अगर हम दो नंबर लेते हैं कि ए और बी अरिथमेटिक मीन इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन मींस प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर एंड स्क्वायर रूट तो ये पॉजिटिव आ गया जिससे प्रूव हो गया कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन
geometric means. Means if I take a number and its reciprocal and इसका arithmetic mean लेता हूं और इसका geometric mean लेता हूं x into 1 by x this, तो यहां से clear हो गया कि x plus 1 by x will be greater than equal to 2 if x greater than 0. ग्रेटर देन जीरो मीन अगर जो एक्स पॉजिटिव होगा तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा. एंड इफ द नंबर इज नेगेटिव, इफ एक्स इज नेगेटिव देन ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल विल बी ऑलवेज less than equal to minus 2. अब यहां से इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये नंबर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ग्रेटर देन बाय 2 इज अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स, ये तो 1 ही आ जाएगा. एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन 2, x plus 1 by x is less than minus 2. तो दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आल तो हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से हैं. लाइक क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर लेते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है. इट कैन बी रिटन एज ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल बाय 2. इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 आ जाएगा बिकॉज आप यहां शो कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. या आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसकी वर्किंग है. ऐसे ये कॉस और सीकेंट में ये भी रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बिकॉज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाय, ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है. ये क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे secant थीटा एंड cosecant आपस में रेसिप्रोकल फंक्शंस नहीं है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर को लिखना चाहिए वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज 2 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बिकॉज में यहां शो करोगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाय. वैसे तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना हिंट भी दे सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन.
तो यहां से ये वाला टू तो टू ही आएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू है इसलिए फोर आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज secant square theta plus cosecant square theta is greater than equal to 4. आर्गुमेंट इतना ही देना ही काफी है कि arithmetic mean is greater than geometric mean. मैंने आपको बताया arithmetic mean में दो नंबरों को प्लस करके डिवाइड करते हैं जितने नंबर्स होते हैं और geometric mean में प्रोडक्ट करके अंडर रूट करते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री. secant square theta into cosecant square theta. इसको लिखेंगे 1 plus tan square theta. इसको लिखेंगे 1 plus cot square theta. 1 plus tan square theta. Plus tan square theta. ये तो 1 ही हो जाएगा, 2 आ जाएगा. अगला क्या आएगा? टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा. दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन हैं बिकॉज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक. यहीं पे कई बार टीचर दूसरा मेथड भी दे देते हैं कि टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्केयर प्लस टू मींस ग्रेटर देन इक्वल टू टू. लेकिन ये भी तभी अप्लाई होगा जब एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल होगा. ये सेकंड मेथड है, ये अल्टरनेट मेथड है. लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि माइनस में क्यों किया, क्योंकि तभी वो प्लस टू आएगा. अगर मैं प्लस करता तो माइनस टू आता, फिर वो नंबर लेस देन एंड इक्वल टू माइनस टू आ जाता, फिर टेंजेंट थीटा नेगेटिव भी हो सकता है. बट यहाँ टेंजेंट एंड कॉट पॉजिटिव है, इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं लगाता हूँ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव के केस में ही आ जाता. और जो दोनों नंबर नेगेटिव हो, यहाँ स्केयर का मतलब यही है, ये बात शो कर रहे हैं कि दोनों नंबर पॉजिटिव है. देखिए हर क्वेश्चन में स्केयर है. कंफ्यूजन तब होती है जब टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, तब टेंजेंट थीटा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी. तो स्केयर कंफ्यूजन से बचने के लिए स्केयर के क्वेश्चन हैं. और कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. मीनिंग समझने का कोशिश करिए. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. ये 6 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, बुक्स में काफी जगह आपको नेक्स्ट अलग अलग कैटेगरीज में मिलेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो.